तो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल बी टेक शर्मा। आज का वीडियो का टॉपिक है मोबाइल प्रोसेसर के बारे में। मोबाइल का प्रोसेसर जो है मीडियाटेक हेलो G70 और स्नैपड्रैगन 636, इन दोनों में मैं इस वीडियो में कंपेयर करने वाला हूँ। और अब वीडियो में आखिर में आपको बताऊँगा कि दोनों प्रोसेसर में कौन सा आपका मोबाइल को बेहतर ऑप्शन देता है, आपका गेमिंग एक्सपीरियंस देता है, और कौन सा प्रोसेसर लेने से आपका पबजी आप स्मूथली खेल सकते हो, इसी के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए आज का वीडियो का इन्फॉर्मेशन। रुको रुको रुको, अरे भाई मेरा मोबाइल में जो मैं गेम खेलता हूँ ना, जैसा मैं गेम खेलता हूँ ना, पता नहीं इतना लैग क्यों देता है। मैंने नया मोबाइल लिया ना, बढ़िया रैम लिया है, लेकिन फिर भी लैग दे रहा है। आ गया तू, प्रॉब्लम क्या है? मुझे बाद में पता चला कि मोबाइल का रैम, बोलो, मोबाइल का प्रोसेसर भी देखो। तुम ही बोलो क्या बोलने आए। बाद में पता चला। तो सुनो, तुम अपने जो मोबाइल, जो नया मोबाइल लिया था ना, उसमें तुम क्या खेलते हो? पबजी, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी क्या खेलते हो? अपना नया मोबाइल में कॉल ऑफ ड्यूटी, पबजी, फ्री फायर क्या खेलते हो? और अपने जो नया मोबाइल लिया है ना, उसमें कौन सा प्रोसेसर है? मोबाइल सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मोबाइल सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैं अपने कर रहा है ना, जो नया मोबाइल लिया है खेलता हूँ, लेकिन मोबाइल में हैंग क्यों हो जाता है इतना रैम लेने के बाद भी? मुझे प्रोसेसर के बारे में मुझे इतना, मैं कंफ्यूज हमेशा रहता हूँ कि कौन सा प्रोसेसर लेना सही है। मीडियाटेक लेना सही है कि स्नैपड्रैगन 636 लेना सही है? मैं बहुत ही कंफ्यूज रहता हूँ कौन सा प्रोसेसर अच्छा है। क्या आप भी इनकी तरह कंफ्यूज में है भाई? अगर है तो इस वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको पता चले। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए आज का वीडियो का इन्फॉर्मेशन शुरू करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, एक तरफ है मीडियाटेक G70 और एक तरफ है स्नैपड्रैगन 665। दोनों प्रोसेसर में जो ड्यूल कैमरा है वो सपोर्ट करता है 16+16 मेगापिक्सल तक। मीडियाटेक G70 में भी 16+16 तक कैमरा सपोर्ट करता है ड्यूल कैमरा, और स्नैपड्रैगन में भी वही है। और जो सिंगल कैमरा होता है मीडियाटेक G70 में, सिंगल कैमरा 48 मेगापिक्सल तक सपोर्ट करता है, और स्नैपड्रैगन में भी 48 मेगापिक्सल तक सिंगल कैमरा सपोर्ट करता है। मतलब दोनों का अगर मैं कैमरा कॉन्फ़िगरेशन करूँ दोनों का प्रोसेसर में, तो दोनों का प्रोसेसर कैमरा के मामले में एकदम A1 ही है, मतलब दोनों सेम ही है। बताऊँगा आप दोनों प्रोसेसर में रैम कितना तक सपोर्ट करता है। दोनों प्रोसेसर में रैम सपोर्ट करता है 8GB। मीडियाटेक G70 में भी 8GB तक रैम सपोर्ट करता है, और स्नैपड्रैगन 665 में भी 8GB तक रैम सपोर्ट करता है। तो दोनों का जो रैम है वो है LPDDR4X, दोनों का एक ही है। मीडियाटेक में है 64-bit 12 nm और 8-कोर प्रोसेसर, तो स्नैपड्रैगन में है 64-bit 11 nm और 8-कोर। मीडियाटेक में है 2X Cortex A75, उसी तरह 4X Cortex A73, ये है स्नैपड्रैगन में। अभी मैं आपको बताऊंगा दोनों प्रोसेसर में GPU क्या है। मीडियाटेक में है RMOL G52 MC2 820 MHz, तो स्नैपड्रैगन में है Adreno 610 8/600 MHz। तो दोनों का अगर परफॉर्मेंस में GPU के द्वारा सबसे अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस है मीडियाटेक G70 में, ये स्नैपड्रैगन से अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस देता है इस वाला प्रोसेसर में। अभी मैं आपको बताऊंगा दोनों प्रोसेसर में एंटीनो बेंचमार्क स्कोर कितना है। मीडियाटेक G70 स्कोर है 193,751, उसी तरह स्नैपड्रैगन 665 का बेंचमार्क स्कोर है 162,406। तो इसके मामले में मीडियाटेक हेलो G70 बेंचमार्क स्कोर में ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस उसमें दिया है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस मीडियाटेक G70 में गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए एंटूटेक बेंचमार्क के हिसाब से ये प्रोसेसर गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए बहुत ही अच्छा। तो इस बार आपको रैम के साथ प्रोसेसर यूनिट के भी बारे में पता चल गया कौन सा प्रोसेसर कितना अच्छा है। अगर पबजी ऐसा गेम खेलते हो तो उसमें आपका अगर स्नैपड्रैगन 665 है ये भी अच्छा है, लेकिन इसमें इससे भी अच्छा टेक्नोलॉजी मीडियाटेक हेलो G70 में है। अगर आप इस बार अगर दुकान से अगर नया मोबाइल ले रहे हो तो उसके साथ मोबाइल का रैम के साथ
उसका प्रोसेसर भी देख के जरूर लेना, और प्रोसेसर का बेंचमार्क स्कोर कितना है ये भी जरूर चेक करके लेगा। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा जानकारी है। तो कैसा लगा ये आपके प्रोसेसर के बारे में? अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले वीडियो में कुछ ए प्रोसेसर के साथ कुछ ये प्रोसेसर में आपके लिए लाओ, अगर आपको कुछ पूछना है किसी प्रोसेसर के बारे में तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना है, और यहाँ पे मेरा पिक्चर रहेगा। और जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तब तक जय श्री राम।